हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, क्लास 7 के चैप्टर नंबर 3, डाटा हैंडलिंग का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोज देख ली होगी इस चैप्टर की, और अगर नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो डाटा दे रखे हैं, एक तो फर्स्ट टर्म में स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस और एक सेकंड टर्म में स्टूडेंट का परफॉर्मेंस अलग अलग सब्जेक्ट्स में, टोटल 5 सब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता है दो डाटा है, तो डबल बार ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल, और हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं नीचे और उन क्वेश्चंस का जवाब देना है। हम पहले इसका डबल बार ग्राफ बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन एक बनाई, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ठीक है, और फिर मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स इंग्लिश हिंदी मैथ्स ये हमें दे रखा है। इंग्लिश हिंदी मैथ्स में बच्चों का क्या क्या स्कोर आया है इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो हम इसको कहाँ मेंशन करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो सब्जेक्ट्स हम मेंशन कर रहे हैं, तो इस लाइन पे हम सब्जेक्ट्स को मेंशन करेंगे। ठीक है, इंग्लिश हिंदी मैथ्स, और ये हमारे जो मार्क्स हैं इसको हम वर्टिकल लाइन पे बनाएं। तो मार्क्स हमारे इधर आएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्केल चूज करना है। तो यहाँ पे मिनिमम क्या है, 65, और मैक्सिमम आपका यहाँ पे है 95। तो 100 से नीचे नीचे है, तो हम 10-10 का गैप ले लेते हैं, सही रहेगा। आप 20-20 का भी गैप ले सकते हो, 5-5 का भी गैप ले सकते हो, लेकिन बेस्ट ये रहेगा कि हम 10-10 का गैप ले लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट 0 से होगा, फिर उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, 100 तक ले लिया हमने। अब सबसे पहले इंग्लिश के लिए बनाते हैं, एक बनाना है हमें 67 का, एक बनाना है हमें 70 का। ओके, तो पहले बनेगा 67 का, जो कि 70 से हल्का सा नीचे यहाँ बनेगा। उसके बाद सेकंड बनेगा 70 का, इसी के साथ में 70 का हम बनाएंगे यहाँ। ठीक है, बनाते हैं। तो ये देखो 67 का एक बनाया मैंने और एक बनाया 70 का। ये जो रेड वाला है ये फर्स्ट टर्म को शो करेगा, ठीक है, और जो ब्लू वाला है वो सेकंड टर्म को शो करेगा। तो ये हमारे किसके हो गए मार्क्स? इंग्लिश के। ठीक है, इंग्लिश के मार्क्स। ठीक है, अब बनाते हैं हिंदी का। हिंदी का पहला बनेगा 72, फर्स्ट टर्म में जो आए 72 और सेकंड टर्म में आए 65। तो हिंदी का फर्स्ट वाला 72 था, तो आप देखो 70 से हल्का सा ऊपर 72 बनाया मैंने ये। ठीक है, फर्स्ट टर्म का जो कि रेड रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, और सेकेंड टर्म में 65 है, तो देखो 70 और 60 के बीच में ये 65 ब्लू वाला हमें सेकेंड टर्म वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये किसके लिए था? हिंदी के लिए। ठीक है, अब करते हैं मैथ्स का। मैथ्स में पहला था 88, दूसरा था 95, तो बनाता हूँ मैं। तो मैथ्स का पहला 88 था, तो देखो 90 से हल्का सा नीचे 88। ठीक है, और उसके बाद सेकंड वाला 95, तो ये देखो ब्लू से रिप्रेजेंट करा मैंने, 100 और 90 के बीच 95। ठीक है, तो ये हो गया मैथ्स का। अब करते हैं साइंस का। साइंस का 81, ठीक है, और 85। साइंस में 81, तो देखो साइंस में आपके हैं 81 फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में 85, तो ब्लू से मैंने यहाँ पे 90 और 80 के बीच
ये 85 बनाया है, ठीक है। अब लास्ट सोशल साइंस का बनाते हैं, 73 और 75। तो देखो फर्स्ट टर्म में 73 थे, तो ये 73 हो गया आपका पूरा, और सेकंड टर्म में 75, तो 80 और 70 के बीच में हो गए, ठीक है। तो ये है आपका साइंस और ये है आपका सोशल साइंस। तो ये डबल बार ग्राफ आपका रेडी हो गया। अब आपको क्या मेंशन करना है, स्केल, स्केल वन यूनिट, वन यूनिट कितना का कैप है, 10 मार्क्स का, ठीक है। तो स्केल हो जाने के बाद अब आपको ये बताना है कि कौन सा बार फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा बार सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेड वाला फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लू वाला सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपके पास पेंसिल से आप ड्रॉ करोगे तो आपको क्या करना है, एक बार को खाली रखना है और दूसरे बार को शेड कर देना है, ठीक है, इससे आप डिफरेंस बता पाओगे। तो रेड बॉक्स और यहां पे क्या लिखूंगा मैं, फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म का बता रहा है, ब्लू वाला सेकंड टर्म को बता रहा है। आपको क्या करना है कि एक को ऐसे रह देना, दूसरे को शेड कर देना, और एक को खाली रख देना, दूसरे को शेड कर देना, ठीक है। तो ये आपका डबल बार ग्राफ पूरा हो गया। अब इस डबल बार ग्राफ की बेसिस के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना है। फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इंप्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, मतलब किस सब्जेक्ट के अंदर चाइल्ड ने अपनी परफॉर्मेंस को सुधारा सबसे ज्यादा, यानी कि फर्स्ट टर्म में उसके मार्क्स और सेकेंड टर्म में उसके मार्क्स, यानी कि सेकेंड टर्म के जो मार्क्स हैं वो फर्स्ट टर्म के कंपेयर में काफी अच्छे आए हों, तभी तो बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा होगा जब उसके सेकेंड टर्म में जो मार्क्स होंगे वो फर्स्ट टर्म के मार्क्स के मुकाबले ज्यादा होंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें इंग्लिश में सिर्फ 3 मार्क्स का ही इंप्रूवमेंट हुआ, पहले 67 थे फिर 70 हुए, सिर्फ 3 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ। हिंदी में देखोगे तो इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, लॉस हो गया उसको। और मैथ्स में देखोगे तो मैथ्स में वो इंप्रूव हुआ है कितने मार्क्स से, 7, पहले 88 थे फिर 95, 7 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ है। साइंस में 4 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ और सोशल साइंस में सिर्फ 2 मार्क्स का। तो मैथ्स में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट है, ठीक है, 7 मार्क्स इंप्रूव हुए हैं, तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट मैथ्स के अंदर है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसका, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, मतलब किस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट कम हुआ, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में ये बताना है, इम्प्रूवमेंट तो हुआ लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत कम हुआ, ये बताना है, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट चेक करते हैं, सबसे पहले इंग्लिश में 67 से 70 यानी कि 3 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ, हिंदी में तो लॉस हो गया तो इसको तो हटा ही दो। मैथ्स का कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, 7। साइंस में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, 81 से 85 यानी कि 4 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ, पहले 81 थे फिर 85 हुए, 4 मार्क्स बढ़ गए। सोशल साइंस में आप देखोगे 73 से 75 हुए यानी कि ओनली 2 मार्क्स बढ़े। तो अब सबसे कम, ठीक है, सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में है, इसमें 3, इसमें 7, इसमें 4, इसमें 2, सबसे कम इम्प्रूवमेंट इसमें है यानी कि सोशल साइंस। सोशल साइंस में ओनली 2 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ यानी कि सबसे कम इम्प्रूवमेंट उसने सोशल साइंस में करा। तो सबसे कम इम्प्रूवमेंट हुआ अपना सोशल साइंस में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस उसकी कम हुई है, तो यस, एक सब्जेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस खराब हो गई। कौन से सब्जेक्ट में, हिंदी में, पहले 72 थे फिर 65 हो गए यानी कि उसकी परफॉर्मेंस इसमें खराब हो गई। तो इस थर्ड वाले का आंसर है हिंदी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कंसीडर द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी
ठीक है, एक कॉलोनी से एक सर्वे लिया गया, उससे हमने ये डाटा कलेक्ट करा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स के नाम है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनको देखना पसंद है, बस क्रिकेट को देखना, बास्केटबॉल को देखना, स्विमिंग करना, स्विमिंग देखना सॉरी। तो ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ देखना पसंद है, और ये वो लोग हैं जिनको पार्टिसिपेट करना पसंद है। जैसे कि 1240 लोगों को सिर्फ क्रिकेट देखना पसंद है, लेकिन 620 लोग ऐसे भी हैं जो क्रिकेट को खेलते भी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट यही है, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। तो हमें यहाँ पे डबल बार ग्राफ बनाना है, चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन ले ली। अच्छा, आपको ये भी पता होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम, इसको हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन हमें क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग यानी कि फेवरेट स्पोर्ट के बारे में दी गई है, तो इसको हम मेंशन करेंगे कहाँ पे, अपने एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फेवरेट स्पोर्ट्स, ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या मेंशन करेंगे, नंबर ऑफ पीपल, और नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो अब हमें स्केल डिसाइड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑफ कोर्स 10-10 का या 20-20 का गैप तो लोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स बड़े बड़े हैं। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर 1240 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 100-100 का गैप लेंगे, 100-100 का गैप सूटेबल रहेगा। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होगा, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, उसके बाद 1000, 1100, 1200, 1300। ठीक है, सबसे पहला 1240 है, तो 1300 तक इनफ है। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा सारा डाटा। अब सबसे पहले क्रिकेट से स्टार्ट करते हैं। क्रिकेट का पहला 1240 बनाना है हमें वॉचिंग के लिए, फिर हमें 620 बनाना है। ठीक है, तो जैसे पहले बनाया था वैसे ही मैं बनाता हूँ। तो 1240 वॉचिंग पीपल, तो आप देख सकते हो 1240, 1300 और 1200 के बीच में, ये 1250 से हल्का सा नीचे आएगा। ठीक है, जो ये बिल्कुल हाफ करोगे, जब आप इसका हाफ करके बिल्कुल हल्का सा नीचे, 1250 से हल्का सा नीचे, ओके। और 620, तो ये रहा 620, 600 से हल्का सा ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रिकेट, ओके। अब करते हैं बास्केटबॉल, 470, 320। ठीक है, बनाता हूँ मैं इसका। तो 470 वॉचिंग है, तो आप देख सकते हो 500 से हल्का सा नीचे 470 हो गया आपका ये। ठीक है, 450 से ऊपर, 500 से नीचे, 470 अप्रॉक्स में बनाया हमने। ठीक है, एग्जैक्ट तो बन ही नहीं सकता। और 320 पार्टिसिपेटिंग वाले लोग, सो 300 से हल्का सा ऊपर, 320। ठीक है, हो गया। अब हम करते हैं अगला, यहाँ बास्केटबॉल, तो बी डॉट बी डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, बास्केट बॉल, ओके। नेक्स्ट करते हैं स्विमिंग। ठीक है, 510, 320, तो बनाता हूँ मैं इसका। तो देखो 510, तो ये देखो हल्का सा 500 से ऊपर है ये, 510। ठीक है, और 320 पार्टिसिपेटिंग, तो ये 300 से हल्का सा ऊपर, 320 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग लोगों को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्विमिंग। ठीक है, हॉकी करते हैं अब, 420, 3 और 250। तो देखो अब हॉकी के 423 हैं, तो ये बनाया मैंने
423, 400 से हल्का सा ऊपर, ठीक है, 250, तो ये 300 और 200 के बीच में, ये 250, ठीक है, ये हो गया हमारा हॉकी। लास्ट एथलेटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं 250, 105, तो ये रहा 250, ठीक है, 200 से ऊपर, ओके, और 105 हल्का सा ऊपर है, बिल्कुल हल्का सा, ऑलमोस्ट आपको 100 पे ही दिख रहा होगा ये, लेकिन ये हल्का सा ऊपर है 105, ठीक है। तो ये पूरा आपका डबल बार ग्राफ हो गया है, अब रेडी, अब आपको क्या मेंशन करना है, स्केल, ठीक है, 1 यूनिट इक्वल टू 100, 100 का गैप है 100, और क्या है पीपल, ठीक है। उसके बाद आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट करना है कि कौन सा बार वाचिंग को शो कर रहा है, कौन सा बार पार्टिसिपेटिंग को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिसिपेटिंग को, तो हम यहाँ पे कर देंगे पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग वाले पीपल ब्लू बार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्लू बार पार्टिसिपेटिंग लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेड बार वॉचिंग पीपल्स को, ओके, क्लियर हो गया होगा अब आपको। तो इस तरीके से आपको पूरा बनाना है, तो ये आपका पूरा बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ रेडी हो गया, ओके। अब करते हैं क्वेश्चंस, ये तो लिखना ही भूल गए, एथलेटिक्स, ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। तो ये जो डबल बार ग्राफ या फिर बार ग्राफ जो आपने बनाया ऊपर, इससे आपको क्या पता चलता है, तो अगर आप इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जो क्रिकेट है वो लोग सबसे ज़्यादा देख भी रहे हैं और सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उधर एथलेटिक्स सबसे कम देख रहे हैं और सबसे कम ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बस यही हमें इसके अंदर लिखना है, हमें इस ग्राफ से ये पता चल रहा है, वी कॉन्क्लूड डैट मोस्ट ऑफ द पीपल वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग the cricket, ठीक है, हमें ये पता चला कि जो ज्यादातर पीपल हैं वो क्रिकेट को वॉच कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आगे लिखेंगे while least number of people, ये नो नहीं है, नंबर है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, नंबर ऑफ पीपल वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग द एथलेटिक्स, ठीक है, मतलब ज्यादातर पीपल तो क्रिकेट को वॉच कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम पीपल हैं जो कि एथलेटिक्स को वॉच कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमने ये कॉन्क्लूड करा अपने ग्राफ से, ठीक है। सेकेंड पार्ट, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, तो इसका आंसर क्रिकेट आएगा, ठीक है, आपको पता है क्रिकेट क्यों आया, क्योंकि जो क्रिकेट के बार्स हैं वो सबसे बड़े हैं, वॉचिंग में भी और पार्टिसिपेटिंग में भी सबसे बड़े हैं, ओके। थर्ड पार्ट है, विच इज मोस्ट प्रिफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। इस क्वेश्चन का मतलब ध्यान से देखना, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग, यानी कि जो लोग हैं वो ज्यादा वॉच कर रहे हैं स्पोर्ट्स को या ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप अगर अपने ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे हर स्पोर्ट्स के अंदर, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो एथलेटिक्स हो, जो रेड बार्स हैं वो बड़े हैं, रेड बार्स यानी कि वॉचिंग, यानी कि पीपल वॉच
ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, पीपल वॉच ज्यादा कर रहे हैं स्पोर्ट्स को एज कंपेयर टू पार्टिसिपेट, क्योंकि जो ब्लू वाले बार्स हैं वो रेड से छोटे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी छोटे हैं, यहाँ पे भी छोटा है, यहाँ पे भी छोटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं और वॉच ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या ज्यादा प्रिफर हो रहा है यहाँ पे, वॉचिंग, ठीक है, तो लोग स्पोर्ट्स को वॉच करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं एज कंपेयर टू पार्टिसिपेट। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, टेक द डाटा गिवन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर्स ऑफ द वेरियस सिटीज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। जब आपने ये चैप्टर स्टार्ट करा था स्टार्टिंग में ये टेबल दे रखी थी 3.1, ठीक है, मैंने आपको इंट्रो में बताया भी था, ठीक है, तो ये टेबल थी। अब इस टेबल का आपको डबल बार ग्राफ बनाना है, और यहाँ पे आपको इस टेबल में क्या दे रखा है, कुछ सिटीज के नाम दे रखे हैं, ठीक है, और उनके मैक्सिमम टेम्परेचर्स को दे रखा है और मिनिमम टेम्परेचर्स को दे रखा है, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको एक डबल बार ग्राफ बनाना है और फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे उनका जवाब देना है। तो बनाते हैं डबल बार ग्राफ। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बना ली। हॉरिजॉन्टल को मैं नाम दूंगा एक्स एक्सिस, वर्टिकल को नाम दूंगा मैं वाई एक्सिस, ओके। तो सिटीज के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो सिटीज को रिप्रेजेंट करूंगा मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे सिटीज, ठीक है, तो ये यहाँ पे हम सिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस पे हम टेम्परेचर को, ठीक है, वाई एक्सिस पे हम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये आपके पास डाटा है, मैक्सिमम 41 है, मिनिमम आपका 21 है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 5 5 का ले लेते हैं, ठीक है, 5 5 का बिल्कुल ठीक रहेगा, तो हम स्केल 5 का लेंगे, बाकी आप अपनी इच्छा से 2 का भी ले सकते हो, लेकिन 2 से तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 10 का भी ले सकते हो, ठीक है, ऐसा स्केल चूज करना जिससे आप जिससे जो आपका ग्राफ है ज़्यादा बड़ा भी ना बने, ठीक है, और इतना छोटा भी ना बने कि उसमें बार्स को बनाते वक्त आपको दिक्कत आए, मतलब अगर आप छोटा बड़े स्केल का लोगे तो उसमें जो बार्स बनेंगे आपके वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को नहीं शो कर पाएंगे ना, इसी वजह से आपको क्या करना है, आपको ऐसा स्केल चूज करना है जिससे आपका बार ग्राफ ज़्यादा बड़ा भी ना बने और ज़्यादा छोटा भी ना बने, ठीक है, एक सही सा आपको लेना है। तो हम यहाँ पे 5 ले रहे हैं, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड लास्ट 50, ठीक है, 0 से लेकर 50 तक ले लिया हमने। अब अहमदाबाद को प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, 38 फर्स्ट बनेगा और सेकंड वाला 29, तो अब देखो ये मैंने बनाया 38, ठीक है, 40 से हल्का सा नीचे 29, 30 से हल्का सा नीचे 29, ठीक है, अहमदाबाद का हो गया, तो यहाँ लिख लेते हैं अहमदाबाद, ओके। अब करते हैं अमृतसर का, 37 डिग्री और 26 डिग्री, ठीक है, बनाता हूँ मैं, तो अमृतसर का 37 देख सकते हो, 35, ठीक है, 36, 37, 40 और 35 के कहीं ये बीच में बन रहा है, ठीक है, और 26 अमृतसर का मिनिमम टेम्परेचर, तो 25 से हल्का सा ऊपर 26, ठीक है, 25 से ऊपर है 26, यहाँ लिख देंगे हम अमृतसर, ठीक है। अब नेक्स्ट बनाते हैं बैंगलोर का, ठीक है, 28 और 21 बनाता हूँ मैं, तो अब देखो बैंगलोर का यहाँ पे है 30 से नीचे, ठीक है, 28, ठीक है, 30 से नीचे 28 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये है अपना 21, 20 से हल्का सा ऊपर जो 21 है, ठीक है, तो ये हो गया मैक्स टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर किसका, बैंगलोर का, यहाँ लिख देते हैं
बैंगलोर। नेक्स्ट बनाते हैं चेन्नई, ठीक है। 36, 27 बनाता हूँ मैं, तो देख सकते हो 35 से हल्का सा ऊपर है 36, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 27 को, ठीक है। 25 और 30 के बिल्कुल बीचों बीच 27, ठीक है। तो ये चेन्नई के लिए है, ठीक है। अब बनाते हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली का है 38 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये रहा 38 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 40 से हल्का सा नीचे, और ये रहा 30 से हल्का सा नीचे है, 28 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका है 28, ये है आपका 38, ठीक है। ये है दिल्ली। अब मैं तीनों का बना रहा हूँ, जयपुर, जम्मू और मुंबई, ठीक है। तो बनाने हैं बस सिंपली इसको। तो ये हमारा पूरा डबल बार ग्राफ रेडी हो गया, ठीक है। जो हमारा ये डाटा दे रखा था, उस डाटा के हिसाब से मैंने ये बार्स बनाए हैं। बहुत इजी है, ठीक है। आपको स्केल से बनाना है सारा का सारा, और आपका आराम से ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डबल बार ग्राफ रेडी हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें मेंशन करना है स्केल जो हमने यूज़ करा। स्केल 1 यूनिट, 1 यूनिट ये, ठीक है, इसे 1 यूनिट कहते हैं। और 1 यूनिट के बीच कितना डिफरेंस है आप देख सकते हो, 5, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस का। तो अब अगला क्या करना है हमें, अब अगला काम है कि ये रेड बार्स किसको शो कर रहे हैं और ब्लू बार किसको शो कर रहे हैं, ये हमें मेंशन करना है, ठीक है। तो ये ब्लू बार्स तो मिनिमम टेम्परेचर शो कर रहे हैं और रेड वाले मैक्सिमम टेम्परेचर शो कर रहे हैं सिटीज के, ठीक है। तो अब देख सकते हो आप, ये हमारा पूरा का पूरा रेडी हो चुका है, ठीक है। ये हमारा पूरा डबल बार ग्राफ था। तो अब करते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डाटा। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, ऐसी सिटी का नाम लिखना है जिस सिटी के अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है और मिनिमम टेम्परेचर है उसके बीच बहुत बड़ा डिफरेंस हो, बहुत बड़ा अंतर हो। अगर आप इस बार ग्राफ को देखो अच्छे से, तो आप अगर जम्मू को नोट करो, तो जम्मू में देखोगे कि मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब डिफरेंस तो अमृतसर, बैंगलोर, चेन्नई सबके अंदर है, ठीक है, लेकिन जम्मू सिटी के अंदर सबसे ज्यादा डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच। और हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि मैक्सिमम डिफरेंस कौन सी सिटी के अंदर है, तो पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा जम्मू, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, विच इज द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी। तो अब देखो, सबसे हॉटेस्ट सिटी वो होगी जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। मैक्सिमम टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा, ठीक है, वो ही सबसे गर्म और वो ही सबसे हॉटेस्ट सिटी होगी। तो मैक्सिमम टेम्परेचर देख सकते हो जम्मू का सबसे ज्यादा है, जम्मू का मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब सबसे हॉटेस्ट सिटी जम्मू है। कौन सी डेट को, इस डेट को, क्योंकि हमने इस डेट का डाटा बनाया था, इस डेट का ग्राफ बनाया था ना, तो इस डेट पे सबसे हॉटेस्ट सिटी कौन सी है, जम्मू, है ना। तो हॉटेस्ट सिटी ये क्या लिखना है आपको, जम्मू, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, कोल्डेस्ट सिटी, ओके, आप कोल्डेस्ट सिटी वो होगी जिसका मिनिमम टेम्परेचर सबसे कम होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो मिनिमम सबसे कम किसका है, बैंगलोर का। बैंगलोर का बार सबसे छोटा है यहाँ पे, ठीक है, ब्लू वाला सबसे छोटा है। तो सबसे कोल्डेस्ट सिटी बैंगलोर है इस डेट पे, ठीक है, इस डेट का डाटा था, तो इस डेट पे सबसे कोल्डेस्ट कौन है, बैंगलोर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोल्डेस्ट सिटी कौन सी है, बैंगलोर, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, नेम द टू सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वास लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अदर।
क्या क्वेश्चन का मतलब है, आपको दो सिटी के नाम बताने हैं, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, सिटी वन सिटी टू, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है, सिटी वन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, सिटी वन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो सिटी टू के मिनिमम टेम्परेचर से कम होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ऐसी दो सिटी का नाम लेने हैं जिसमें सिटी वन का मैक्सिमम टेम्परेचर सिटी टू के मिनिमम टेम्परेचर से कम हो, ठीक है। तो अब आप इस ग्राफ को अच्छे से देखो और आप यहाँ पे देखोगे कि जो बैंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर है, बैंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर है वो अहमदाबाद के मिनिमम टेम्परेचर, अहमदाबाद का जो ब्लू बार है मिनिमम टेम्परेचर से कम है, ठीक है। तो एक आपका हो गया बैंगलोर एंड अहमदाबाद, क्योंकि जो बैंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर है वो अहमदाबाद के मिनिमम टेम्परेचर से कम है। कितना डिफरेंस है, सिर्फ 1 डिग्री का, ठीक है, ओनली 1 डिग्री का। जैसे बैंगलोर का कितना टेम्परेचर है यहाँ पे मेरे को 28 है, ठीक है, और अहमदाबाद का यहाँ पे 29 है, ठीक है। तो ये हो गया बैंगलोर एंड अहमदाबाद। एक और आप देख सकते हो इसी के अंदर, बैंगलोर जयपुर का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैंगलोर का जो बार है वो जयपुर से छोटा है, और अगेन यहाँ पे भी 1 डिग्री का ही फर्क है, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे बैंगलोर का बार है और दिल्ली का जो बार है ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है। जो बैंगलोर का बार है ये अहमदाबाद से 1 डिग्री छोटा है और जयपुर से भी 1 डिग्री छोटा है। आप ऊपर टेबल में भी देख सकते हो, बैंगलोर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर 28 है, अहमदाबाद के 29 और जयपुर के 29 से कम है। तो इसका आंसर आ गया बैंगलोर एंड अहमदाबाद, और आप बैंगलोर और जयपुर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे बैंगलोर एंड अहमदाबाद या फिर बैंगलोर एंड जयपुर, ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट करते हैं, नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस, लीस्ट मतलब सबसे कम डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन इट्स मैक्स, बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच बहुत छोटा सा, बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए। तो आप फिर से अपने ग्राफ पे आ जाओ और आप देखो डिफरेंस, तो सबसे कम डिफरेंस देखो यहाँ पे किसके, मुंबई में, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के बीच बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है, बाकी सब में डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। तो इसका आंसर मुंबई होगा, ठीक है, मुंबई, ठीक है, तो हो गया बस। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज नीचे वीडियो को लाइक करके जाना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।